आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? आप इस संसार से अपने सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, ज्ञान, प्रेम और बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए आए हैं। आप इस संसार को बेहतर स्थान बनाने के लिए आए हैं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है और जब तक आप उसे जीना शुरू नहीं करते, तब तक वह आपके अंदर एक शून्यता को जगाए रखता है, एक एहसास जिसे आप बयां नहीं कर सकते, लेकिन जिसे पता है कि आपको और अधिक पाने की अभिलाषा है। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य संसार की सेवा करने का। असीमित प्रेम और खुशी के अनुभव के साथ यही उद्देश्य हमारे जीवन का कारण होता है, एक उद्देश्य जो हमें सार्थकता के साथ प्राप्त होता है। हम में से बहुत से लोगों के लिए यह पहचान पाना मुश्किल होता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। कुछ लोग यह मानते हैं कि उन्हें पता है कि उनका क्या लक्ष्य है, लेकिन उन पर प्राय समाज के नियमों पर चलने और उपयोगिता के नाम पर अपने वास्तविक लक्ष्य का त्याग करने का दबाव डाला जाता है। फुटबॉल की बॉल के बारे में सोचें। इस बॉल का उद्देश्य केवल ठोकर खाना होता है। यदि यह बॉल एक कमरे के कोने में बिना कुछ किए रख दी जाएगी तो इसके उद्देश्य को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि इसकी आत्मा नहीं होती, इसीलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह आशा करें कि बॉल की आत्मा, इसके लिए बॉल को आत्मबोध का ज्ञान दे दिया जाए। यदि बॉल एक कमरे के कोने में रख दी जाए तो इसमें एक अजनबी सा अनुभव आएगा, जैसे कि कुछ खो गया हो। बॉल को कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसे संभवतः यह लगेगा कि उसने संसार को अपना सही महत्व नहीं दर्शाया है। अब यह कल्पना करें कि कोई व्यक्ति आखिरकार इस बॉल को उठा लेता है और इसे आसपास फेंकने का निश्चय करता है। बॉल जैसे ही हवा में इधर उधर घूमने लगती है तो उसे उल्लास का अनुभव होता है, लेकिन कुछ देर बाद बॉल को खालीपन फिर से महसूस होने लगता है, क्योंकि उसे आसपास घूमकर प्रसन्नता हुई, फिर भी यह उसके लिए काफी नहीं था। हो सकता है कि बॉल का फिर विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाने लगे, उसे बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाने लगे, लेकिन उसे अभी भी अधूरा महसूस होने लगा। बॉल यह मान लेती है कि उसके जीवन में जितनी अधिक घटनाएं होने लगेंगी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होने लगेगी, लेकिन उसे जितनी घटनाओं का अनुभव होने लगता है, संतुष्टि का विचार उसके लिए और भी अस्वीकृत होने लगता है। एक दिन जब बॉल को वास्तव में ठोकर मारी जाती है, उस क्षण बॉल के लिए सब कुछ सार्थक अनुभव हो जाता है। वह समझ जाती है कि उसकी रचना किस लिए हुई है, उसे ठोकर लगनी ही है। वह अपने साथ हुई पहली सारी घटनाओं पर ध्यान देती है और बिंदु दर बिंदु सबको जोड़ना शुरू कर देती है। जब उसे हवा में घुमाया जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर दबाव दे रहा है, तो उसे उत्साह का अनुभव होता है जो उसके लक्ष्य से संबंधित होता है। बॉल को अब यह पता है कि वह क्या ढूंढ रही है। हमें उस भूमिका में डालकर संतुष्टि का थोड़ा अनुभव होने लगता है जो हमारा परम लक्ष्य नहीं है, लेकिन कदाचित हमें संतुष्टि का अनुभव होने लगता है। इसका यह कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। आखिरकार यह हमारे हाथ में होता है। हम कभी भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्ण सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम उन लक्ष्यों को पूरा करें जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है। आपको किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने का विचार असुगम लग सकता है, लेकिन यदि आपको मैदान के बीचों बीच कोई स्मार्टफोन मिले तो आपको लगेगा कि किसी ने उसे वहां गिरा दिया है। आपको यह नहीं लगेगा कि यह सब कुछ प्राकृतिक तौर पर करीब अरबों साल पहले बिना किसी रचना करने वाले के अपने आप उत्पन्न हो गया। हम आज भी यह विश्वास करते हैं कि पूरी मानव जाति, जो कि एक स्मार्टफोन से कहीं अधिक विशाल है, परिवर्तन की श्रेणी और सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता के द्वारा उत्पन्न हुई थी। हम में से बहुत से लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और इससे हमें इन अरबों तारा समूहों में ब्रह्मांड के दूसरे जीवों के समान मात्र एक जीव है। यद्यपि एक स्मार्टफोन के समान हमारे जीवन का भी निस्संदेह कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब लोग अपना जीवन बिना किसी बड़े उद्देश्य के जीते रहते हैं तो वे अपनी मौजूदगी के उद्देश्य को झुठला रहे होते हैं। ऐसे लोग अपना पूरा जीवन केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही बिता देते हैं। जीवन में उनका उद्देश्य हमेशा से दैनिक जरूरतों को पूरा करने और अपने अगले महीने का बिल चुकाने की प्रक्रिया में ही चलता रहता है। निसंदेह बिलों का भुगतान जरूरी है,
हमें भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े और अन्य जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपको सचमुच यह लगता है कि आपने इस ग्रह पर केवल इसी प्रकार से जीने और मरने के लिए कदम रखा है? यदि आप एक उद्देश्य के साथ जीते हैं तो जीवन बहुत बड़ा हो जाता है। जब आप जो करते हैं उसके लिए सार्थक कारण मिल जाता है तो आपको संपूर्णता का अनुभव होता है। मैं जिस तरह काम करता हूँ, बहुत से लोग अपनी दिनचर्या उसी प्रकार से अपना कार्य करने में बिता देते हैं, जिसका उनके लिए कोई खास मतलब नहीं होता, और वे सप्ताह में केवल 2 दिन की स्वतंत्रता के लिए जीवन जीते रहते हैं। इन 2 दिनों के दौरान वे या तो थोड़ा काम करेंगे या मौज मस्ती में दिन गुजारेंगे, जैसा कि मैं हर हफ्ते क्लब जाकर अपना समय गुजारता हूँ। हर हफ्ते वे उन 2 खास दिनों का इंतजार करते हैं, अपने कीमती समय को वापस पाने की कामना करते हैं, क्योंकि वे अपना समय काम से दूर होकर गुजारना चाहते हैं, अपना खाली समय जल्द पाने के लिए। इसका परिणाम यह होता है कि उनका पूरा जीवन एक झलक में बीत जाता है। अक्सर जीवन बहुत कठिन होता है और इसीलिए पैसा हमें और अधिक आजादी प्रदान करता है। इसके बावजूद यह विश्वास रखें कि आप मानवता की सेवा करने और अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। इन उद्देश्यों के बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगला दलाई लामा या फिर अगला मार्क जुकरबर्ग होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको मूल्य में वृद्धि करने वाली सेवाएं देनी चाहिए, और यह करने का केवल एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसा करें जिसका आप हृदय से आनंद उठा सकें। इसीलिए उत्साह बेहतर जीवन जीने के भाग में बड़ी भूमिका अदा करता है। हर व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह किस चीज के लिए भावुक है। आध्यात्मिक लेखक डेरिल अंका ने बशर नामक एक चैनल पर यह सुझाव दिया कि आप क्या चाहते हैं इसका एहसास करने का सबसे छोटा रास्ता अपने उत्साह का अनुसरण करना है। अगला कदम हमेशा वही होना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा उत्साही बनाता है। आपको इसे तर्कों से सही साबित करने की जरूरत नहीं है। बशर का कहना है कि आपको बस उसे करने की जरूरत है। इसीलिए वह कार्य करें जो कि आपके भीतर सचमुच उत्साह पैदा करता है। यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसा न चुनें जिसे आपने रोमांचक का लेबल दिया हुआ है, क्योंकि आप कुछ और नहीं सोच सकते या क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग इसे रोमांचक समझते हैं। आप जिस चीज की तरह स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं वह ऐसे ही नहीं है, वो भी ठीक उसी तरह आपको चुन रही है जैसे आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। यह एक साधारण सी बात है। इसीलिए यह सोचकर कि आपको इसे समझने की आवश्यकता है, अपने जीवन को और जटिल ना बनाएं तथा स्वयं को धोखा ना दें और खुद पर उन कार्यों को करने का दबाव ना डालें जिन्हें आप अव्यवहारिक समझते हैं। जैसे कि यदि आप कला को सचमुच पसंद करते हैं तो आप एक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट तैयार करके दुनिया के साथ अपना काम साझा कर सकते हैं। अपनी कला को जल्दी से जल्दी हजारों पाउंड के लिए बेचने की कोशिश ना करें, विशेष तौर पर उस स्थिति में जब आपको यह प्राप्त करने का एक बड़ा लक्ष्य दिखे। तो यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप बिना किसी अपेक्षा के मुफ्त में कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि यह एक ऐसी चीज हो जिसके लिए आप सचमुच भावुक हो। यदि इससे आपको खुशी नहीं होती तो ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। इसके लिए आपको तत्क्षण ही अपनी सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को समाप्त करके अपने आर्थिक दायित्वों को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह होता है कि आपको सकारात्मक बदलाव के लिए उत्सुक तथा उसे पाने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है, और इन चीजों के प्रति उन कदमों को उठाते रहना चाहिए जो आपके मस्तिष्क, शरीर व आत्मा को प्रेरित करें। इसकी चिंता ना करें कि अगला कदम कौन सा उठाएं या चीजें आपके समक्ष कैसे पेश आएंगी। याद रखें कि यदि आप इस जगत को अपने भीतर व्याप्त रोमांच को दर्शाते हैं तो यह आपके सामने रोमांच पैदा करने के लिए और अधिक चीजें उपलब्ध करेगा। जब तक आप इन संकेतों पर कार्य करते रहेंगे तब तक जीवन में चमत्कारिक अवसर आपके पीछे चलते रहेंगे और आपके मार्ग को खोजने में आपकी मदद करेंगे। कुछ छोटे कदम ठीक हैं, क्योंकि उनसे बड़ी चीजें प्राप्त होती हैं। आखिरकार आप ऐसे रास्ते तैयार कर पाएंगे कि आपके रोमांच ही आपके वेतन का जरिया बन जाएंगे। आपकी इस सोच से उन चीजों को बढ़ावा मिल सकता है जिन्हें आप पहले से ही कर रहे हैं, या यदि आप उस पेशे में हैं जो आपको नापसंद है तो इसका मतलब यह है कि आप आखिरकार उसे छोड़ने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने में सक्षम होंगे। इस संसार में आपका आगमन एक उद्देश्य के लिए हुआ है,
आपको यहाँ सहायता, प्रेम, सहयोग, सुरक्षा और मनोरंजन करने के लिए लाया गया है। आपको यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने और प्रेरणा देने के लिए लाया गया है। आपको यहाँ स्थिति में अंतर लाने के लिए लाया गया है। यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता तो आप इस पृथ्वी ग्रह पर होते ही। आपके जीवन का एक उद्देश्य है और जब आपको यह पता चलेगा कि वह क्या है तो आप इस संसार की न केवल संचालन शक्ति को बदल देंगे बल्कि अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी भागीदारी का भी अनुभव करेंगे।